अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैर खैरियत से होंगे। तो आज दोस्तों हमारी वाइट कलर की सील मुर्गी को बैठे हुए पूरे 20 से 21 दिन हो चुके हैं। तो अभी आज उसने उम्मीद है कि अपना जो चूजा है वो उसने हैच कर लिया होगा। तो अभी हम चेक करते हैं। 4 अंडे तो उसके खराब थे जो कि हमने कैलनिंग करके देख लिया था। एक जो अंडा था उसमें चूजा बना था। तो अभी हम चल के देखते हैं कि उसने वो हैच किया है या नहीं किया है। तो दोस्तों ये हमारे वाइट मुर्गे जो हैं अभी तीनों के तीनों हैं। पहले मेरा प्लान बना था कि मैं इनको निकाल दूंगा, लेकिन अभी अल्हम्दुलिल्लाह से हमारे जो पिंजरे हैं उनकी छत लेंटर पड़ चुका है, तो उस वजह से अभी जो हम इनको रख सकते हैं। तो ये इधर उधर भागते रहते हैं, तो वो साथ में गिर जाएं तो फिर उनको लाना पड़ता है, काफ़ी ज़्यादा परेशानी हो जाती है। अभी थोड़ी देर पहले एक मुर्गी जो थी, ये जो ऊपर वाली है न्यू मुर्गी, ये भी उधर गिर गई थी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये खुद ही जंप करके वहाँ से यहाँ पर आ गई थी। तो अभी इनको जो मुर्गों को है थोड़ा बहुत दाना डाल देते हैं और चलते हैं अपनी नए चूजे को देखने। ये दाना मैंने इनको डाल दिया है, तो अभी वो भी आ जाता है। तो इतना ये दाना खाते हैं और हम चल के देखते हैं हमारी मुर्गी ने अंडों में से चूजे हैच किए हैं या नहीं किए। चूजे तो नहीं, एक ही चूजा हैच किया होगा उसने, अगर किया भी होगा तो भी खोल के देखते हैं कि मुर्गी ने चूजा हैच किया होगा या नहीं किया होगा। मुर्गी बैठी हुई है यहाँ पे, तो अभी देखना है कि मुर्गी बैठी हुई है और चूजे की आवाजें तो आ रही हैं दोस्तों। अभी देखते हैं कि इसने क्या चूजा निकाला है या नहीं। और माशाल्लाह से बैठी, और दोस्तों ये साथ इसके जो है चूजा भी, माशाल्लाह से कितना प्यारा चूजा जो निकला है इसका, ब्लैक कलर का, प्योर ब्लैक कलर का चूजा है। माशाल्लाह से बहुत क्यूट है यार, बहुत ज़्यादा क्यूट है और बहुत ही ज़्यादा नरम है। माशाल्लाह माशाल्लाह। तो अभी इनको कुछ दाने के लिए देते, क्योंकि चूजा जो है वो सूखा हुआ लग रहा है। अगर ये अभी अभी निकला होता तो ये थोड़ा गीला होता, लेकिन जो है ये सूखा हुआ लग रहा है, इसलिए अभी इसको कुछ दाने के लिए डाल देते हैं, क्योंकि फिर इनको भूख लगी भी होती है। और मुर्गी ये देखें, अभी मैं इसके सामने दो दाने रखता हूँ, ये देखें दोस्तों बच्चे को खिला रही है, और बच्चा जो है वो आ नहीं रहा, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वो भी आदि हो जाएगा। बाहर मैं इसको अभी इसलिए नहीं निकाला क्योंकि दोस्तों ये जो अंडे पड़े हैं ना, तो मैं सोच रहा हूँ कि इन अंडों में ना जो है, मुर्गी को पता तो है उसके पास अंडे पड़े हैं, तो मैं इन अंडों की जगह इन अंडों को चेंज करके ना इसके साथ कुछ और चूजे रख दूंगा। फिर क्या होगा, मुर्गी को लगेगा जैसे उसी ने जो है चूजे जो है हैच किए हैं, तो फिर वो उनको संभाल लेगी, क्योंकि एक चूजा इसके पास बचा है। और अभी इसने चूजे ने भी जो है उसकी आवाज़ सुननी शुरू कर दी है। माशाल्लाह कितना प्यारा है दोस्तों, माशाल्लाह माशाल्लाह। तो अभी ये इसको खिलाने की कोशिश कर रही है, लेकिन जो दाना है वो गंदम का थोड़ा बड़ा है। मैं इसको जो है बाजरा देता हूँ, फिर ये जो है सुकून से खा लेगा। इसने कोशिश तो की है चूजे ने भी, तो मैं अभी इसको बाजरा जो है वो डालता हूँ, तो फिर ये बाजरा जो है वो देखते हैं ये बाजरा खाता है या नहीं। मुर्गी ने बाकी अंडों को भी जो है संभाल के रखा हुआ है। मुर्गी अब खा रही है और वो चूजा उसको देख रहा है। आहिस्ता आहिस्ता जो चूजा है वो भी खाना शुरू कर देगा, क्योंकि शुरू में वो देखता है, अभी ये ज्यादा नहीं हुआ, तकरीबन एक दिन का भी नहीं हुआ। सुबह मैंने देखा था, सुबह मैंने बिल्कुल 5-6 बजे देखा था, उस टाइम नहीं निकला हुआ था। तो अभी ये निकला होगा, दिन में निकला होगा 9-10 बजे तकरीबन, तो क्योंकि मैंने इसको तंग नहीं किया था कि ये आराम से निकाल लेंगी, तो अभी ये एक दिन का भी नहीं हुआ। तो दोस्तों जब चूजा निकलता है, 2 दिन जो है वो होता है, ये जो मुर्गी का अंडा बचता है ना, मुर्गी उसको खिला देती है। तो ये देखेंगे इसको भी खिलाने की कोशिश कर रही है, तो फिर उसका जो पेट होता है वो फुल होता है। मतलब पानी आप उसको 1 से 2 दिन ना भी दें तो काम चल जाता है, लेकिन थोड़ा बहुत आप उसको बाजरा खिला दें तो उससे जो होता है चूजा ठीक रहता है। माशाल्लाह माशाल्लाह, अभी वो आ रहा है और मेरे हाथ पे आ रहा है, इतने नरम इसके पांव जो है। दोस्तों ये चूजा जो है हमारा देसी मुर्गी का अंडा जो था एक, उसने उसी दिन दिया था, और मैंने 7 असील अंडों के साथ रख दिया था, उसमें से निकला है। असील जो अंडे हमारे हैं उनमें से एक भी चूजा नहीं निकला। ओए Thank you.
चूजा परेशान हो रहा है, चूजा अभी सही से खा नहीं रहा और अभी छोटा है इसलिए नहीं खा रहा, मतलब एक दो दिन में ये बिल्कुल होशियार हो जाते हैं दोस्तों। वैसे एक है कि ये जो चोंच है ये निकलने के 1 घंटे बाद ही ये जो होते हैं, जब ये सूख जाते हैं थोड़े परों में, तो ये चोंच मारना शुरू कर देते हैं बाजरे पे या फिर कोई भी चीज हो उस पर ये चोंच मारना शुरू कर देते हैं। बिल्कुल ब्लैक कलर का निकला है, इसका नाम मैं ब्लैक ही रख देता हूँ क्योंकि ये बिल्कुल ब्लैक है और ज़्यादातर मेरे पास चूजे निकलते भी ब्लैक कलर के ही हैं, बहुत कम चूजे जो होते हैं वाइट कलर के या फिर किसी और कलर के निकलते हैं, ज़्यादातर ब्लैक ही निकलते हैं। माशाल्लाह बहुत बहुत क्यूट है चूजा। मुर्गी इसको खिला रही है लेकिन वो अभी देख नहीं रहा, ध्यान नहीं कर रहा उधर। बाकी अंडे हम निकाल के देखते हैं, अगर मुर्गी इनको अपने अंदर करती है फिर तो उसका मतलब ये होगा कि मुर्गी उनको भी और चूजे जो हम रखेंगे उनको मुर्गी संभाल लेगी, लेकिन अगर मुर्गी ने अंडे अंदर नहीं किए तो इसका मतलब है मुर्गी अंडों को शायद छोड़ दे। मुर्गी ने अंडा अंदर कर लिया, इसका मतलब अभी हमारे पास जो है चांस है कि हम इसको और चूजे देंगे तो ये उनको संभाल लेगी। तो दोस्तों यही था आज के वीडियो के लिए, उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी है, हमारा जो नया चूजा है ब्लैक वो आपको अच्छा लगा है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें। हम मिलेंगे एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिए, दुआ में याद रखिए, अल्लाह हाफिज़।